सिवान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिवान पुलिस ने MLC चुनाव में AK-47 से हमला करने के नामजद कुख्यात अपराधी चवन्नी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कोलकाता से STF की मदद से गिरफ्तार किया है। हालांकि कुख्यात अपराधी चवन्नी सिंह के पास से पुलिस को कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ है। वहीं सिवान में अपराध की योजना बनाते अलग अलग जगह से 3 अन्य अपराधी को भी पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अन्य 3 अपराधी के पास से 2 पिस्टल और 6 जिंदा गोली बरामद किया गया है। सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। SP ने बताया कि जिस हथियार से हमला किया गया था उसकी बरामदगी के लिए गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि गिरफ्तार कुख्यात अपराधी चवन्नी सिंह सिवान में 8 वर्ष पहले भाजपा सांसद के प्रवक्ता श्रीकांत भारती की भी गोली मारकर हत्या में शामिल था। वहीं MLC चुनाव के दौरान MLC प्रत्याशी रईस खान पर AK-47 से हमला किया गया था, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीसरे एक अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं, दीपक कुमार सिंह उर्फ चवन्नी सिंह। ये पहले से ही बहुत ही एक साथी और कुख्यात अपराधकर्मी रहे हैं, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बीच में एक MLC प्रत्याशी थे रईस खान, उनके वाहन पर गोली चली थी, उसके क्रम में एक आदमी की मृत्यु भी हुई थी। तो उसमें ये नामजद अभियुक्त भी हैं, इन पर भी पहले से लूट डकैती का और रंगदारी का इन पर भी विस्तृत अपराधी के इतिहास है। इनकी गिरफ्तारी अपने राज्य के बाहर कोलकाता से करके पुलिस लाई है, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। बंगाल पुलिस नहीं पकड़ी, हमारी पुलिस पकड़ी है बंगाल पुलिस के सहयोग से। चवन्नी के पास से बरामदगी तो कुछ नहीं है, लेकिन इनके इन्होंने स्वीकारोक्ति बयान दिया है, स्वीकार भी किया है, और इसमें बहुत सारा इन्होंने तथ्य दिया है जिस पर हम लोगों को अनुसंधान आगे करना है। अपराधकर्मी है जिसका नाम है रत्नाकर पांडे उर्फ पीयूष पांडे, ये बनकट्टा के रहने वाले हैं। इनको एक देसी पिस्टल और 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये मरवा थाना कांड संख्या 276/22, इसमें ये वांटेड था, उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई है, जब इनका छानबीन किया गया है, तो आर्म्स तो मिला ही है इनके साथ, पहले का भी इन पर 4 केस है, कंप्लीट क्रिमिनल हिस्ट्री है इनका, और इन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया भी है कि किस तरह से अपराध कर रहे हैं। तो एक रत्नाकर पांडे, दूसरा एक गिरफ्तार किए गए हैं अंकित कुमार सिंह, पिता बबलू सिंह, साकिन जलालपुर थाना जीबी नगर। इनको भी एक पिस्टल, 4 गोली और 1 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन पर भी लूट आर्म्स एक्ट का पूरा विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जो हमने प्रेस नोट में आप लोगों को लिख दिया है। उस इन पर अभी 5 केस लूट और आर्म्स एक्ट का पहले से दर्ज है, जो बड़ा जिनकी गिरफ्तारी की गई है।